हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप? तो बस अब यहाँ आधे कपड़ों में, पूरे कपड़ों में चिंगू भी वैसे ही है। भिंडी हरी हरी भिंडी जिसपे बैठी, मोटी मोटी लैगन हट, ऐसे हरी हरी ककड़ी जिसपे बैठी, हरी हरी भिंडी जिसपे बैठी मकड़ी, मकड़ी ने मारा चाटा, चाटा पड़ा जोड़ के, सुबह के मुंह में आटा, आटा हुआ व्हाइट, सुबह की किस्मत ब्राइट, चिंगू आया लाइफ में, सुबह गई व्हाइट, बन गई वाइफ, ऐसा होता। कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, कुछ भी चल रहा है। तो आज हम लोग गिफ्ट ओपन करने वाले हैं, तो आप लोगों के सामने गिफ्ट ओपनिंग ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाले हैं कि किसने क्या दिया हुआ है इतने प्यार से, इतने इतने 50 की भिंडी कैसे, इतने दिल से 50 की भिंडी। और आज हमारी ताशी का फर्स्ट डे स्कूल में, इतनी खुशी से गई है आज, पहली बार वो बस से गई है और इतनी खुश होके गई है। उसका फर्स्ट डे जब वो आएगी तो उसकी खुशी से नहीं, उसके उससे हाँ उससे पूछेंगे हम कि क्या क्या हुआ उसके स्कूल में, हाँ उसके स्कूल में क्या क्या हुआ, तो वो हम आपके साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल से। निशा के हाथ का जो बेसन का हलवा है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है सभी लोगों का, रात में एक बार खा चुके हैं, अभी फिर से डिमांड आई है कि बेसन का हलवा बना दो। तो मम्मी कह रही है अभी पहले थोड़ा सा मेरा किचन खाली हो जाने दो, मम्मी इस टाइम तक पूरा खाना खाना बना के रेडी रखी है, तो इसलिए बोल रही है कि अभी खाली कर देते हैं फिर तुम अच्छे से बना लेना। का काम है आपका, पूरा खाना बन गया। दाल इतना टेस्टी दिख रहा है यार, दाल गोभी की सब्जी, गोभी की सब्जी क्योंकि भैया को बहुत पसंद है इसलिए भैया के लिए बनाया। अच्छा गोभी गिलकी का भरता खाया, किस किसने खाया बताना, गिलकी का भरता आप लोगों ने खाया कभी? गिलकी का भरता मम्मी ने बनाया है, गिलकी का भरता। सो मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि बुटीक जाना है अभी मुझे। सब लोग रहते हैं तो मन नहीं करता है ना काम करने का, वैसे कुछ हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा कुछ शूट नहीं कर रही हूँ जो आप आ नहीं सकती हो। यहाँ पीछे धुलाई सफाई हो रही है वॉशिंग मशीन में। सो मैंने जो ब्लॉग अपलोड किया ताशी के बर्थडे का, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, सबको बहुत पसंद आया, उसके लिए दिल से थैंक यू। जो आप लोगों की ब्लेसिंग्स थी वो ताशी तक पहुंची है और बस ऐसे ही वो अपनी लाइफ में खुश रहे, उसका हर दिन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। सभी लोगों ने उसके लिए जो कामना करी है उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जो एक सवाल है जो सभी लोगों के मन में है, वैसे मैं कुछ भी ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करना मैं अवॉइड ही करती हूँ, मैं कभी भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बताना चाहिए कि उतने टाइम होटल में क्या हुआ था, क्योंकि क्लिप जो होती है ना वो सडनली कुछ कुछ शूट हो जाती हैं, बाकी हमारे पास होता नहीं, तो इसकी वजह से गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो जो पार्ट आपने देखा वो उतना ही पार्ट हमारे पास है और वो भी हेमंत ने शूट कर लिया था, नहीं तो वो भी हमारे पास नहीं होता। सृष्टि जब जा रही थी उतने टाइम पर, जो भी वहाँ के होटल स्टाफ थे, जब तक पार्टी चलती रहती, ये सभी लोगों को पता होगा क्योंकि हमने पहले भी इवेंट किए, ये हमारा पहला इवेंट तो था नहीं, तो जब तक पार्टी चल रही होती है तब तक के लिए वहाँ की किसी भी चीज़ को ऐसे उठाकर अलग नहीं किया जाता है। तो जो गेट था, मेन डोर जो था, वहाँ पर जो डेकोरेशन था बलून वाला, वो जो भैया थे, जो भी वो भैया थे मुझे नहीं पता उनका नाम, उन्होंने उसको पूरा निकाला और उठाकर रखा नहीं, उठाकर सीधे साइड में ऐसे फेंक दिया। उस बात को मैंने अवॉइड कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इस चीज़ को देखा लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो भैया जब अंदर आए, जो वेटर थे, उन्होंने अगर आपके द्वारा मतलब होटल के साइड से कोई चीज़ की जाती है तो आप उस पर, आपका राइट होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो पोस्टर मैंने लगवाया था और वो जो पोस्टर है ना वो केक कटिंग के पीछे मुझे लगवाना था, लेकिन उसमें राउंड वाला जो था ना सर्कल वाला डेकोरेशन था तो उसमें फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने सामने की वॉल में लगा दिया कि कोई भी एंटर करेगा तो सबसे पहले वो तस्वीर दिखेगी। तो वो उन्होंने क्या किया ना, उसको निकाला नहीं, और वैसे भी हमसे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो आपको हमसे पहले परमिशन लेनी चाहिए कि इसका हमें क्या करना है, निकालना है नहीं निकालना। वो चलती पार्टी, ऐसा भी नहीं है कि पार्टी ख़त्म हो गई थी, तो उसको टेप को निकालना चाहिए था, तो उन्होंने 20 से पकड़ा और खींच दिया जिससे वो तस्वीर फट गई। वो तस्वीर लोगों के लिए सिर्फ तस्वीर होगी, मेरे लिए तस्वीर नहीं है। मैंने जो रिएक्शन दिया वो मुझे लगता है कि जेन्युइन है,
कोई भी होता वैसा ही रिएक्शन देता, और अगर मुझे हाइड करना होता तो मैं क्लिप डालती ही नहीं। तो वो जो पार्ट था उतना ही हम आपको दिखा पाए हैं। जो उन लोगों ने किया जिस तरीके से जिस वे में किया वो हमारे पास शूट नहीं है। अगर वो हमारे पास शूट होता तो इतने सवाल उठते ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो पोस्टर निकाला गया वो बहुत ही गलत वे में था। पकड़कर सीधे बीच में से पकड़कर सीधे खींच दिया गया, तो ये तो किसी भी होटल में नहीं होता है। और जब वहाँ पर सारे लोग हैं तो ये सारी चीज़ें, और सिर्फ ये पहला नहीं था, जिस तरीके से बलून निकाले गए, बाकी चीज़ें निकाली गई, तो ये जो ऐसा बिहेवियर था उनका कि नॉर्मल नहीं था। किसी चीज़ को निकालना अलग होता है, किसी चीज़ को खींचना फाड़ना अलग होता है। तो वो वाला वे था जिस पर मेरा रिएक्शन गया। उतने टाइम के लिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अगर नॉर्मल हैप्पी बर्थडे वाला नॉर्मल एक पोस्टर होता तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो आशीष जी की तस्वीर वाला पोस्टर था जिससे मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने उससे बार बार पूछा कि क्या आप इन्हें जानते हैं, आपको पता है ये कौन है जो आपने इस तरीके से रिएक्ट किया। आ सकते हो आप, आ सकते हो। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रही हूँ कि वो जो होटल में जो भी हुआ था। अरे ठीक है भाई, देखो ऐसा है कि शायद मेरा मानना ऐसा है कि हमसे ज़्यादा विनम्र लोग कोई बात नहीं। मैं ऐसा तारीफ नहीं कर रहा हूं, हमारी फैमिली को पहले भी देखा हुआ है। हाँ, कि तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं अपनी, बट मैं बता रहा हूं हमारी फैमिली में ये सब नहीं चलता। और हाँ, एक था कमेंट कि अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने ऐसा किया होता तो हमारा कोई फैमिली मेंबर ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं जो वहां पर हुआ। मैं उस समय वहां था नहीं, मैं नीचे था और 12 बजे तक का टाइम था हमारे पास। तो आप अगर 12 बजे के बाद कोई एक्शन लेते तो इट्स फेयर एंड गुड, वो भी आपकी चीज पर लेते तो हमें नहीं था, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने पर्सनल उसको बनवाया हुआ तो था, वो भी आपने नहीं बनाया। तो गुस्सा होना जायज है और गुस्सा नॉर्मल है, सबको आता है, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं। मेरी उस जगह पे आप भी होते तो डेफिनेटली गुस्सा करते। और जो आपको वे दिखाई दिया कि नेहा दीदी आपने इस वे में बात करी, आपने इस तरीके से उनको जवाब दिया, तो अगर मैं वो क्लिप दिखा देती जिस तरीके से उन्होंने बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया तो आप ये चीज़ बोलते ही नहीं, क्योंकि वो बहुत अग्रेशन के साथ में उन लोगों ने उस चीज़ को किया, नॉर्मल नहीं किया। और हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, पर वो गलती पे गलती किए जा रहे थे तो यार गुस्सा तो आएगा ही। उन्होंने पहली बार में पोस्टर नहीं, उन्होंने ये बलून उठाकर फेंकना, वहाँ से डेकोरेशन निकाल कर फेंकना, ये बार बार कर रहे थे। तो गलती एक बार होती है, गलती बार बार नहीं होती। फिर भी नहीं, नहीं यार गलती, चलो गलती ठीक है, फिर भी इनका गुस्सा तो उन्होंने नॉर्मल किया। उस पॉइंट पे शायद मेरा गुस्सा होता तो मेरे घर वाले जानते, ये तो होता तो पता नहीं क्या होता, ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। वो मैंने ना गुस्से में मैं कुछ और ना करूँ ना, इस चक्कर में मैंने वो जो फोन फेंका ना, वो मुझसे नहीं बाबा, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है गुस्सा, पता नहीं क्यों मुझे। ठीक है, बता, हमने बता। और आशीष जी का नाम जहाँ आता है ना, और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ रही हो तो आपको आशीष जी के साथ पोस्टर के साथ कुछ भी हो, अरे भैया लाइफ में आगे बढ़ना दूसरा मैटर है, और आशीष जी मेरी ज़िंदगी में जैसे थे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनके नाम के साथ उनकी तस्वीर के साथ खिलवाड़ तो मैं कभी ज़िंदगी में बर्दाश्त ना करूं, कभी भी ना करूं। तो ये दो तरीके की बातें जो लोग कर रहे हैं, तो कृपा कर ये तो बिल्कुल लिंक मत करिए कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और मैं अभी आशीष जी के लिए ऐसा रिएक्शन, आशीष जी के लिए जब भी कोई बात होगी मेरा रिएक्शन ऐसा ही जाएगा, हमेशा जाएगा, हमेशा जाएगा। अरे उनका छोड़ो, मेरा जाएगा उनका तक तो बाद में जाएगा। वो तो बोला ना कि मेरे सामने ये चीज़ नहीं हुई, वो बहुत अच्छी बात इनके लिए भी था, क्योंकि फिर मैं गुस्सा होता तो ये लोग नहीं संभाल पाते। तो कोई बात नहीं, हमको इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं देना। हाँ, और एक बात और कि आपने जो भी आप लोग कमेंट किए हैं कि इनको नहीं बुलाया, तो हमने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया था। जो भी लोग आए हैं वो अपने मन से आए हैं ताशी को आशीर्वाद देने के लिए, तो अगर जो भी उसे अपना मानते हैं वो आ सकते थे। मैंने हमेशा बोला है कि मेरे घर के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं, वो जब भी आना चाहे आ सकते हैं। तो अगर आप ताशी को अपना मानते हैं तो आकर उसे आशीर्वाद दे सकते हैं, उसमें स्पेशल इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने किसी को भी इन्विटेशन नहीं दिया, जो भी लोग आए हैं वो मन से अपना समझ कर आए हैं। तो आप भी अगर अपना समझते हैं ताशी को, आपको ऐसा लगता है तो आप आ सकते थे, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि इससे शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो मुझे, मैं कभी भी अपने व्लॉग में ना मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है ना मैं आगे कभी एक्सप्लेन करूँगी। इस मुद्दे पर मुझे बोलना ऐसा लगा ज़रूरी है,
तो मैंने बोला। ताशी बहुत जल्दी स्कूल से आने वाली है क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना गिफ्ट खोलने की। तो आपको जो नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा वो हमारी गिफ्ट ओपनिंग का होगा, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं, हम खुद भी वेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में, वो ताशी के फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस के साथ में कि क्या क्या हुआ उसके साथ, वो सब बताएगी और हम सुनेंगे, और उसी के साथ में आपके साथ हम व्लॉग शेयर करेंगे।